हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू दी सुमित कुमार सूर्यवंशी क्लासेस. वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम विच इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर. वी ऑलरेडी हैड ए इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन. वी डिस्कस दैट वी वट काइंड ऑफ द सोर्सेज वी यूज टू ग्रैप दिस काइंड ऑफ द हिस्ट्री बिकॉज सोर्स ऑलवेज प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री. एंड आई टोल्ड यू दैट बिफोर रीडिंग एनी चैप्टर यू सपोज टू नो अबाउट द सोर्सेज. बट इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन की प्रोसेस ऑफ कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन क्या हुआ, किस टाइम पर होमिनोइड्स मतलब सबसे पहले जैसे प्रिमिट्स से कैसे होमिनोइड्स आए, होमिनिड से कैसे फिर होमिनोइड से कैसे होमिनिड्स आए, होमिनिड से फिर कैसे दो पार्ट्स आए बेसिकली जिनको हम जानते हैं एस्ट्रोप्लोथिक और होमो के नाम से, होमो में कैसे हम तीन ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली जो कि है हमारी होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस एंड होमो सेपियंस. जो आज का प्रेजेंट है वो हमारा होमो सेपियंस के बारे में है, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं. और उसके बाद हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ा था जिसमें बेसिकली हमें समझ चुके थे कि कोई भी एक प्रोसेस है जो वो इंटरलिंक कनेक्टेड है. कि जैसे अगर मान लो टूल का यूज़ करना स्टार्ट किया तो उससे कहीं ना कहीं हैंड मूवमेंट्स चेंज हुई, उसी की वजह से टूल को बनाना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं माइंड की जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो बढ़ी. रिवर्स में भी हम कह सकते हैं कि माइंड की इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ी तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स जो है उन्होंने बनाना स्टार्ट की. तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की थ्योरी हमने पढ़ी थी कि जिसके अकॉर्डिंग एक डेवलपमेंट की वजह से कोई जो है दूसरी डेवलपमेंट हुई है या इंटरलिंक डेवलपमेंट है, वो चाहे माइंड की डेवलपमेंट हो या टूल की. टूल का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि जैसे देखिए टूल बनाना आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको दिमाग लगाना होगा कि किस तरह से टूल बनाएं, तो इससे आपके दिमाग की इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ी. पर एट द सेम टाइम जब दिमाग की इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ेगी तभी तो आप सोचोगे ना कि इसमें और कौन कौन से तरीके लगा के किस किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टूल बना सकते हैं हम, या फिर किस तरह का टूल हंटिंग के लिए चाहिए, किस तरह का गैदरिंग के लिए चाहिए. तो ये एक हमने पॉजिटिव है उसके अंदर पढ़ा था. उसके बाद हमने होमो के बारे में पढ़ा बेसिकली, जो होमो हैबिलस हैं कि वो बेसिकली टूल मेकर है, होमो इरेक्टस है जो सीधे होकर चलने वाला, और होमो सेपियंस जिसे वाइज थिंकिंग के बारे में. इनके बारे में डिफरेंस भी हमने पढ़ लिए थे कि होमो दो पार्ट में बटा है, होमो हाइडनबर्ग्स और नियडरथल, उनके डिफरेंस हमने अच्छे से कर लिए. फिर मैप ऑफ इवोल्यूशन में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से इनकी डेवलपमेंट हुई है. आज जो बेसिकली टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, कि ह्यूमन इवोल्यूशन की जो स्टोरी है मॉडर्न ह्यूमन उसके बारे में लोग किस तरह मतलब जो हिस्टोरियंस है वो किस किस तरह की जो है आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं. तो उसमें बेसिक आइडिया क्या है कि देखिए जो होमो या मॉडर्न ह्यूमन है या होमो सेपियंस है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ अमेरिका में हमें मिलते हैं. डिफरेंट पार्ट ऑफ ओरिजिन की वजह से जो इसके सेंटर्स हैं उसको लेके बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशन है कि हो सकता है सिंगल सेंटर से हैं या डिफरेंट सेंटर से हैं, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता. तो इस इश्यूज़ का जो है ओरिजिन का जो इशू है मॉडर्न ह्यूमन का, कि मॉडर्न ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसमें टू डिफरेंट वे प्रेजेंट किए जाते हैं. एक आपका रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल और दूसरा है रिप्लेसमेंट कंटिन्यूटी मॉडल. रीजनल कम्युनिटी मॉडल क्या होता है, जिसमें आपको ये बिलीव किया जाता है कि ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ वो मल्टीपल रीजन से ओरिजिन हुआ, मतलब एक ही जगह से ह्यूमन का एवोल्यूशन नहीं हुआ बल्कि अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके के ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है. और रिप्लेसमेंट मॉडल आपका कहता है कि एक सिंगल ही ओरिजिन है, एक ही जगह से सभी का एवोल्यूशन हुआ है. तो रीजनल कम्युनिटी मॉडल आपका कहता है कि सेवरल रीजन अक्रॉस दी अफ्रीका एशिया यूरोप, कि अफ्रीका एशिया और यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ विद द हेल्प ऑफ दी. ये प्रूव कैसे करते हैं हिस्टोरियन, विद द हेल्प ऑफ दी एनाटोमिकल डिफरेंस. एनाटोमिकल डिफरेंस क्या होता है, जो आपकी फिजिकल डिफरेंस है उसको सोर्स बनाकर ये बताया जाता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे हमें पता लगता है कि ये बेसिकली एक जगह से ओरिजिनेटेड नहीं है. वेरिएशन इन दी फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर वर्ल्ड के हम डिफरेंट पार्ट्स की जो फर्स्ट ओरिजिन चेक करें, मॉडर्न ह्यूमन जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ उसकी हम अगर उसको चेक करें तो हर जगह पर जो है उसके अंदर हमें बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं, कोई सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलती. इस वजह से भी ये माना जाता है क्योंकि ये सिमिलर नहीं है इसलिए इनका एक सिमिलर या एक ओरिजिन नहीं है बल्कि ये अलग अलग जगह से ओरिजिनेट होकर आए हैं. तो ये मॉडल तो ये कहता है कि हमारा बेसिकली जो ह्यूमन है वो डिफरेंट जगहों से ओरिजिनेटेड हुआ है. दूसरा आपका मॉडल है रिप्लेसमेंट मॉडल. रिप्लेसमेंट मॉडल आपका क्या कहता है, सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका, कि सभी का जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है वो सिंगल ओरिजिन है, एक ही जगह से वो ओरिजिन होकर धीरे धीरे अलग जगह पर फैल गए, उसको साबित करने का रीजन है एटोनॉमिकल एंड जेनेटिक सिमिलरिटी. कि एटोनॉमिकल भी देखें तो बहुत सारी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलेगी. जेनेटिक मतलब कि जीन्स हैं, इसके ऊपर बीबीसी के एक वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं. बीबीसी ने एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर जिसमें वो आपको जीन्स का ऐसे स्ट्रक्चर पूरा, जो जीन्स का आपका स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके पूरा दिखाएंगे कि आज के ह्यूमन में एक मान लीजिए रेड कलर का जो जीन है वो सबसे पुराने वाले में सबसे अफ्रीका के अंदर मिला है, जिससे वो ये थ्योरी प्रूव करते
करते हैं कि जो अफ्रीका का ओरिजिन का ह्यूमन है वहीं से सारे ह्यूमन पूरे अलग अलग जगह पर माइग्रेट होकर फैले हैं, माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन। ओमा जो इथोपिया है वहाँ पर जो हमें इसके रिसोर्स मिले हैं, जो फॉसिल्स मिले हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं ये प्रूव करते हैं कि रिप्लेसमेंट मॉडल जो मॉडल जो है वो सच है। डिफरेंस इन द अदर रिजल्ट ऑफ द अडेप्टेशन, और जितने भी डिफरेंस उसके बाद आए हैं वो अडेप्टेशन की वजह से आए हैं। जो आपने साइंस में टेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे जो अगर आपका एटमोसफेयर या हैबिटेट बदलता रहता है तो अडेप्टेशन की वजह से चेंजेस आते रहते हैं, तो उन चेंजेस के बारे में बात की होगी। फिर से सुन लीजिए कि जो रिप्लेसमेंट मॉडल है वो कहता है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन एक ही जगह से हुआ और इस एक जगह के बाद ये डिफरेंट जगहों पर फैल गए और जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस इन्हें मिली उनके हिसाब से मॉडर्न ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कहते हैं कि जो मतलब अमेरिका वगैरह तरफ के लोग क्यों फेयर हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंडक है, जैसे यहाँ कश्मीर में है तो कश्मीर के लोग फेयर होते हैं। नॉर्थ वाले हम दोनों तरह के होते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्दी और गर्मी बराबर है। साउथ में जाएंगे तो आपको ज़्यादा लोग ब्लैक मिलते हैं वो गर्मी की वजह से। तो ये कहा जा रहा है कि जो अडेप्टेशन की डिफरेंस की वजह से बाद में चेंजेस आ गए। दूसरा मॉडल कहता है रीजनल कम्युनिटी मॉडल कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ही क्या है इवोल्यूशन हुआ है, देखिए, और डिफरेंट डिफरेंट जगहों से इवोल्यूशन होने के बाद कहीं ना कहीं इनका आपस में इंटरलिंक कनेक्शन था और इसी डिफरेंट डिफरेंट जगहों से इवोल्यूशन होने के बाद डिफरेंट तरीके का ह्यूमन बना है। तो ये बेसिक आपके दो मॉडल हैं। रिप्लेसमेंट मॉडल कहता है कि सिंगल ओरिजन है, एक ही जगह से ह्यूमन का इवोल्यूशन होकर वो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में फैला और डिफरेंट डिफरेंट अडोप्टेशन की वजह से अलग अलग ह्यूमन बन गया। रीजनल मेथड कहता है कि वो अलग अलग जगह से ही इवोल्यूशन हुआ है और इसीलिए आज ह्यूमन क्या है आपका अलग अलग दिखाई देता है। दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि अर्ली ह्यूमन जो है वो अपना फूड कैसे गैदर करता था, वो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अर्ली ह्यूमन द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे पहला हम डिस्कस करें हंटिंग, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट, यहाँ पर हंटिंग लिखा होना चाहिए था कि पहला जो हम डिस्कस करें वो हंटिंग है। हंटिंग में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि 5 लाख ईयर अगो पहले हमें सबसे पहले हंटिंग के सोर्स मिलते हैं, और अगर हम देखें तो जो डेलिब्रेट और जो प्लान्ड हंटिंग है उसके सोर्स हमें 35,000 ईयर अगो के करीब मिलते हैं। कुछ जगहें भी हैं जैसे बॉक्सग्रू और साउथ सदर्न इंग्लैंड एंड स्नोचिन इन जर्मनी, ये ऐसी साइट्स हैं जहां पर हमें प्लान्ड हंटिंग के सोर्स मिलते हैं। प्लान्ड हंटिंग क्या होती है उसके बारे में जब हम पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेंटिंग का इसके साथ क्या कनेक्शन है। हंटिंग को ये कहते हैं कि बेस्ट मेथड था फूड ग्रेम करने का, पर डोमिनेट ऑफ मेन फ्लॉक, मैन फ्लॉक मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं मैंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। देखिए स्मॉल एंड लार्ज एनिमल क्या है कि देखिए स्मॉल एनिमल को अगर हंट करना है तो कोई अकेला पर्सन भी हंट कर सकता, लेकिन अगर कोई बड़ा एनिमल हो जैसे डायनासोर्स हो गए या अदर, उनको हंट करना होता था तो ग्रुप हंटिंग करनी पड़ती थी। इसीलिए क्या है ये एक डोमिनेशन ऑफ मैन फोक है कि कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर डिपेंडेबल है, एज वेल एज डिपेंड करता है कि आप स्मॉल एनिमल को हंट कर रहे हैं या बिग एनिमल को हंट कर रहे हैं। टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था हंटिंग में, और ज़्यादातर क्या था कि ड्यूरिंग ऑटोमन स्प्रिंग में जो माइग्रेशन होता था नियर द रिवर, उस वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जो है एनिमल की हंटिंग करते थे। इसका मतलब इससे ये भी पता लगता है कि जो अर्ली ह्यूमन है उसको एनिमल के मूवमेंट्स के बारे में पता रहता था। जैसे आज अगर आपको पता हो तो जो हमारे जो जीव के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं उनको वो सब आपको बता सकते हैं कि किस टाइम कौन सा जो एनिमल है या बर्ड है वो कहाँ से कहाँ माइग्रेट करते हैं। तो उसी तरह से इनको पता होता था कि किस टाइम में कौन सा कहाँ माइग्रेट करेगा, और वहीं पर जहाँ पर वो पानी वानी पीते थे या जहाँ पर एनिमल्स मूवमेंट होती थी वहाँ पर ये हंटिंग करते थे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं हंटिंग एक बेस्ट मेथड था फ्रूट ग्रैब करने का। प्लान्ड हंटिंग के भी सोर्स हमें मिलते हैं बहुत सारे। 5 लाख ईयर अगो ये स्टार्ट हुई हंटिंग, जिसमें स्मॉल और लार्ज दोनों तरीके के एनिमल को ये हंट करते थे। डोमिनेटिंग ऑफ मैन फ्लॉक था कि कहीं ना कहीं डिपेंड करता था कि कितने लोग हैं आपके पास, उसी लोगों के हिसाब से आप हंटिंग करते थे। और इवन इनको ये पता था कि एनिमल की मूवमेंट किस टाइम पर कहाँ हो रही है, तो ऑटोमन स्प्रिंग में जब भी एनिमल रिवर के पास पानी पीने के लिए आते थे तो वहाँ पर ये लोग हंटिंग करते थे। सेकेंड है हमारा गैदरिंग ऑफ द फूड। ये सबसे, वैसे मैंने हंटिंग को पहले एक्सप्लेन कर दिया लेकिन सबसे पहला होना चाहिए था गैदरिंग, क्योंकि सबसे पहली जो फूड की चेन थी उसमें सबसे पहले वैसे स्कार्विंग था, आइसेज के अंदर गैदरिंग भी नहीं हो पाती थी, स्कैविंग होती थी। स्कैविंग को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी गैदरिंग है। उसके बाद गैदरिंग क्या हमारा डिपेंड ऑन नेचर की गैदरिंग तो है फूड जो हम जंगलों से इकट्ठा करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर जंगलों से इकट्ठा कर रहे हैं ये सभी, तो ये जंग पेस्टोरलिस्ट नोमेड थे, क्योंकि देखिए पहले आइसेज के ख़त्म होने के बाद ह्यूमन ने जब मूव करना स्टार्ट किया ना तब जाके कहीं उनकी गैदरिंग करना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जंगलों में उन्हें जो भी मिलता वो उसको कलेक्ट करते थे। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि सीड्स हो गए, नट हो गए, बेरीज, फ्रूट स्टब्स, इनको वो कलेक्ट करके खाते थे। अज्यूम्ड बिकॉज ऑफ द वेरी लिटिल डायरेक्ट
एविडेंस देखिए, ये अज्यूम किया जा रहा है कि शायद उसने ऐसा यूज़ किया था, क्योंकि बहुत कम डायरेक्ट एविडेंस इस चीज़ के मिल पाते हैं। क्यों डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि जो फॉसिल्स हैं प्लांट के वो बहुत रेयर है, फॉसिलाइज प्लांट जो है वो बहुत रेयर है, हमें मिल नहीं पाते। और प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं, जो एक्सीडेंटली बर्न वगैरह हो गए, वो अगर मिलते हैं तो उससे भी क्लियर एविडेंस नहीं हो पाता। तो क्योंकि एविडेंस हमारे पास नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा अजम्प्ट है कि क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो जो ट्राइबल लोग हैं वो फॉरेस्ट से बहुत सारी गैदरिंग करते हैं, तो उस हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन ने जब पेस्टोरलिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट की होगी, वो जंगलों में घूमना स्टार्ट हुआ होगा, तो उसने पक्का गैदरिंग को इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्कैरविंग, ये सबसे पहले आना चाहिए था वैसे तो, चेन के हिसाब से अगर देखें तो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि देखिए, सबसे पहले जब हम आइसेज में रहते थे तो तब उस वक्त कोई भी प्लांट वगैरह नहीं था, और आइसेज में आप इतनी दूर भी नहीं जा सकते थे। तो जो होमिनिड्स थे वो क्या करते थे, बेसिकली गैदरिंग करते थे किस चीज़ की, मीट की और मैरोज की। मीट और मैरोज क्या होते हैं, मतलब कि मांस। बेसिकली वो कैसे मिलेगा, या तो कोई एनिमल मर गया, डेड एनिमल नेचुरली मर जाए, या फिर वो क्या करते थे, एनिमल्स को मार लेते थे जो भी आसपास में मिलते थे, चाहे वो छोटा मैमल हो या छोटे मैमल्स हों, या फिर एग्स हों बर्ड्स के, या बर्ड्स हों या रेप्टाइल्स हों या इंसेक्ट हों, उनको ये मार के किसी तरह से खाते थे। स्कैरविंग आपको दिख रहा होगा, वैसे तो स्कैरविंग ये होता है कि सफाई करना बोलते हैं स्कैरविंग को, मतलब ढूंढ के निकालना किसी चीज़ को, लेकिन स्कैरविंग का यहाँ मतलब क्या है कि कोई जीव जो है मरा हुआ मिल जाए, ठीक है, उसको खाना, तो मतलब वो बेसिकली आप हंटिंग नहीं बोल सकते क्योंकि उसके ऊपर अटैक नहीं करते थे। तो सबसे पहले स्कैविंग थे आइसेज के टाइम पे, फिर जब जंगलों में जाने लगा तो वो गैदरिंग करने लगा, फिर गैदरिंग करने लगा तो जंगलों में आगे एनिमल्स वगैरह आए, तो उसने टूल्स वगैरह डेवलप कर लिए, टूल्स वगैरह डेवलप होने के बाद उसने हंटिंग करना स्टार्ट की। तो ये एक प्रोसेस है कि स्टार्टिंग के ह्यूमन में कैसे खाना ग्रैब किया, फिर कैसे लास्ट जो है वो हमारा फिशिंग की, कहीं ना कहीं हमें फिशिंग के भी बहुत ज़्यादा सोर्स मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट वे है ऑब्टेन करने का फूड को, एंड फिशिंग बोन्स आर डिफरेंट साइड, क्योंकि बहुत सारे जगह डिफरेंट साइड पर हमें फिश की बोन मिलती है, जिससे हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये फिशिंग करते थे। ये फिशिंग डायरेक्टली रिवर या पोंड से करते थे, हैंड्स के जरिए ही होती थी फिशिंग। सोचिए कितना बड़ा टैलेंट था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये टैलेंट दिखाते हैं कि हाथ से मछली पकड़ लेते हैं, लेकिन उस टाइम के लोगों में यही टैलेंट था। एंड लेटर जो है हुक वगैरह, एंड हुक वगैरह कैसे, बोन से बने हुए हुक वगैरह जो है हमें लेटर सोर्स में मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका फूड गैदरिंग का तरीका था, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। कि बेसिकली हमने आज दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो मॉडल के बारे में, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल और रिप्लेसमेंट मॉडल, दूसरा हमने पढ़ा है फूड के बारे में कि फूड गैदरिंग ये चार तरीके से करते थे, जिसमें सबसे पहले स्कार्विंग को यूज़ किया गया था, फिर गैदरिंग को, फिर हंटिंग को और फिर फिशिंग को। और इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए, फील फ्री टू कॉल।